मुमरा पनवेल हाईवे पर एक अलीशान गजाली ढाबा है, जहां आप फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं। और आपको यहां लाजवाब औधी, टर्किश, अरेबियन क्यूजिन, साथ ही स्पेशल डिश में पाए थाल प्लेटर खप्चा, वाइड रेंज ऑफ बेवरेज, यूनिक सीटिंग अरेंजमेंट फॉर ऑल, किड्स प्ले एरिया, किड्स राइड्स और एम्पल्स ऑफ पार्किंग। साथ ही आप वेडिंग और बर्थडे पार्टी के लिए भी बुक कर सकते हैं। तो आज ही आए गजाली फैमिली ढाबा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मनसे नेता संदीप देशपांडे पर हमला हुआ है। सुबह शिवाजी पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान ये हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि हमलावर जो है ये करीब 4 से 5 लोग थे। इनके हाथों में डंडे थे और इस डंडों से जो है संदीप देशपांडे पर इन लोगों ने हमला किया है। हालांकि संदीप देशपांडे को तत्काल हिंदुजा हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि अब मनसे नेता अविनाश जाधव ने भी मीडिया में बयान दिया है कि जिन लोगों ने संदीप देशपांडे पर हमला किया है वो चेहरा छिपाकर और छुपकर हमला किया है, लेकिन अब वो घर में घुस कर मारेंगे। सेना इस सबका विरोध करती है और इसका करारा जवाब देगी। हम लोगों के संदीप देशपांडे के ऊपर तो छुप के हल्ला किया गया, हम इनको घर में घुस के मारेंगे, इतना जरूर। हल्ले का पिछला कारण क्या है? मुंबई महानगर पालिका का भ्रष्टाचार ये हल्ले का कारण है। आगे जाके क्या रणनीति? आगे जाके इनको घर में जाके मारेंगे। कौन हल्ले का संशय? जो कोई है उसको ढूंढेंगे, उसके घर में जाएंगे और मुंह पे पट्टी भी नहीं बांधी जाएगी और न मास्क लगाया जाएगा। सुरक्षा के बारे में क्या? मुझे लगता है हमारी सुरक्षा करने के लिए हम खुद तैयार है और अगर कायदा सुव्यवस्था का सवाल आता है तो पुलिस वो उनका देख ले। कार्रवाई जल्द से जल्द में होगी, अगर हमें विश्वास है पुलिस के ऊपर कि पुलिस कोई कार्रवाई करेगी, अगर नहीं हुआ तो फिर देखते क्या करना है। संदीप देशपांडे को मिलने जा रहे हैं? मैं अभी संदीप देशपांडे जी को मिलने जा रहा हूँ और वहाँ से साहब को मिलूँगा। धन्यवाद।